जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्रेमी भक्तों, थर्ड आई या आज्ञा चक्र जब खुलता है तो आपके साथ क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप यह जान लें कि थर्ड आई और आज्ञा चक्र क्या होता है। यह जानकारी परम आवश्यक है। थर्ड आई आज्ञा चक्र या दसवां दरवाज़ा, यह एक ही स्थान है। इसको संतों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। यह स्थान हमारे दोनों भौहों के बीच का है। इस तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले निरंतर नाम जप करना होता है। जब नाम जप में एकाग्रता आ जाती है तो हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर पहुंचने लगता है, और जब ध्यान की पूर्ण अवस्था होती है तो हमारा आज्ञा चक्र थर्ड आई यानी कि दसवां दरवाज़ा खुल जाता है। जब आज्ञा चक्र खुलता है तो आपके साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले तो जब ये खुलने के कगार पर होता है तो वहाँ पर खिंचाव महसूस होता है, स्पंदन महसूस होता है, दर्द भी महसूस होता है। ये सब संकेत बताते हैं कि अब आपका आज्ञा चक्र खुलने वाला है। और जब यह ओपन हो जाता है, खुल जाता है, तो आपको भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हो जाता है, जिससे आप त्रिकालज्ञ हो जाते हो। इससे आप भूत, वर्तमान और भविष्य अपना ही नहीं औरों का भी जान सकते हैं, और इससे आपका मन बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है तो वह भी समाप्त हो जाती है और नई बीमारी कभी नहीं हो सकती। आप दीर्घायु हो जाते हैं और आपकी समाधि सहज ही लगने लग जाती है। आपके पहले जो काम रुके हुए थे वो सब काम अपने आप बनने लग जाते हैं। आपके घर में सुख शांति आ जाती है। आपके घर के लड़ाई झगड़े समाप्त होने लगते हैं। आप जहाँ भी जाते हो आपको मान सम्मान मिलने लगता है। आपकी वाह वाह होने लगती है, और आपके स्पर्श और दर्शन मात्र से दूसरों को शांति मिलने लगती है। दूसरे आपको देखते ही आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये सब संकेत जो हमने बताए ये बहुत ही कम हैं। अलग अलग अनुभव औरों के सबके होते हैं, तो इनमें से आपके साथ कुछ भी घटित हो रहा है तो समझ लीजिए आपका आज्ञा चक्र खुल चुका है। और यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे औरों के पास भी शेयर करिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।